औषधियां में देखी जाए, सेकंड आपका औषधियां, औषधियां में मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी मलेरिया परजीवी के नाम में जैसे देख लीजिए, क्विनीन, एटाप्रीन, क्लोरोक्वीन, ये मलेरिया परजीवी के नाम है। अमीबा अतिसार, अमीबा अतिसार में सल्फाग्वेनिडीन होता है, निमोनिया में आपका सल्फापीरिडीन होता है, तपेदिक में आपका होता है PAS अर्थात पारा एमिनो मैसिलिक एसिड नाम होता है इसका। प्रतिरोधक में नाम देख सुन लीजिए, KNO4, जल में फिनोल, NaOCl, फिनोल DDT, मर्थरोक्रोम, आयोडीन, टिंचर, ये सारे जो है प्रतिरोधक जर्मनाशी हैं। जोरनाशी में देखा जाए, जोरनाशी में आपका एम्पीरिन, पैरासिटामोल, एनिजिलिन, क्विनीन, फोर एसेट एमिडो, सैलिगिलिसाक, एसिटिल, एम्पीरिन, ये जोरनाशक जो है औषधियां के नाम है। पीड़ाहारी में पीड़ाहारी में औषध का नाम एस्पिरिन होता है। पीड़ाहारी एस्पिरिन होता है, जो एस्पिरिन का प्रयोग पीड़ाहारी में किया जाता है। नार्कोटिक्स में नार्कोटिक्स में आपका जो है मार्फिन होता है, क्रोडीन होता है, हीरोइन होता है, जो नींद और बेहोशी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसी तरह से शांतिदायक निद्राहारी के लिए एसिड के बीच को किया जाता है, साइटिकेडिन औषध के लिए LSD-25 का प्रयोग किया जाता है, निषेधक के रूप में एथिल क्लोराइड, नेवोकेन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है विस्फोटक, तीसरा पॉइंट विस्फोटक पदार्थ में आपका
काला चूर्ण केमेनो फोर थ्री अपान एन एन एच अर्थात नाइट्रोग्लिस डायनाइट नार्को सेलुलोज और नाइट्रो स्टार्च, ये जो है विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अपमार्जक प्रश्न आता है तीसरा, चौथा में अपमार्जक। अपमार्जक क्या कहलाते हैं? वे यौगिक जो कपड़ों को आसानी से गीला करके तेल की फिल्म से इमिटेशन बनाने के कणों को निलंबित कर देते हैं, अर्थात उन्हें शुद्धिकरण कर देते हैं, उससे धोकर पुनः प्रयुक्त किया जाता है, ऐसे अम्लों को अपमार्जक कहते हैं। अपमार्जक किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक जो विभिन्न कणों के आसानी से गीला कर तेल की फिल्म से इमिल्स बनाने तथा कणों को तब तक निलंबन में रखें जब तक उनके धोकर धूल के कण पृथक पृथक न हो जा सके, उसे हम अपमार्जक कहते हैं। साबुन हीन जिसे कहते हैं, अर्थात ल्यूरोनिन अल्कोहल, ट्राइमेथिल स्टोपिक, अमोनिया ब्रोमाइड, डाइमेथिल, बेंजीन, अमोनिया क्लोराइड आदि ऐसे पदार्थ हैं जो प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके बाद आता है आपका साबुन। साबुन में देखा जाता है उच्च वसा के सोडियम या पोटेशियम के लवणों के मिश्रण को हम साबुन कहते हैं, जिसमें सोडियम एसीटेट होता है। सोडियम एसीटेट साबुन का सूत्र होता है, यह है C17H35CNA। यह जो है साबुन का सूत्र है और यह साबुन में प्रयुक्त किया जाता है। इस तरह से ये कार्बनिक और उनके यौगिकों का विश्लेषण हम इस अध्याय में संपूर्ण पढ़े हैं।